नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिव कटारिया। किसी भी नेता की नकल करना इतना आसान नहीं होता। कहते भी हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। जरा सी चूक दौड़ से बाहर कर देती है, फिर कोई भी अकल नकल को सही साबित नहीं कर सकती। यहां बात हो रही है ऐसे कलाकारों की जो नेताओं के हाव भाव बोलचाल की नकल कर लोगों को हंसाते हैं। ऐसे ही कुछ कलाकार हैं जिन्होंने हमारे बीच में से ही निकलकर देश और दुनिया में नाम कमाया है। ऐसे कलाकारों से हमारी खुशी हजार गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक कलाकार है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हूबहू नकल करके सबको हैरत में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं श्याम रंगीला की। मोदी फेम श्याम रंगीला हमारे ही श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे के निवासी हैं। रंगीला आज सौभाग्य से हमारे एसबीटी स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम उनसे पूछेंगे कई सारे सवाल। श्याम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्ते, सबका अभिनंदन है और सौभाग्य है आज सर आप इंटरव्यू कर रहे हैं हमारा। माय प्लेजर सर। श्याम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि श्याम रंगीला जी बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो मिमिक्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री कभी किसी ने नहीं देखी, आपने उनको ही क्यों चुना? सर बेसिकली क्या था, मैं बचपन से मेरा सपना ही था कॉमेडियन बनने का और पांचवी छठी क्लास से मैं ट्राई कर रहा था जी। तो मैंने बॉलीवुड के कलाकारों की मिमिक्री सीखी जी। तो उसमें करते गए 2012 तक, मुझे लगा यार इतना रिस्पांस आ नहीं रहा है जी जी बॉलीवुड की मिमिक्री से जी। तो फिर मुझे लगा यार कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे, और युवा जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जी जी। तो मोदी जी की रैलियां भी खूब हो रही थी 2012-13 में जी। तो वहीं से मुझे लगा यार क्यों ना इन्हीं को चुना जाए, इन्हीं की नकल की जाए। और इतनी रैलियां थी, इतनी थी अखबारों में उनकी फोटो, इंटरव्यू उनके न्यूज में, सोशल मीडिया पे, टीवी में, तो उन्हीं को मैंने चुन के फिर उन्हीं की नकल स्टार्ट कर दी जी जी जी। श्याम भाई, मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना एक रुतबा है, कभी कोई संकट खड़ा नहीं हुआ? नहीं सर, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं जैसे संकट खड़ा हो जी। लोग वैसे ही, हम कुछ नहीं करते लेकिन लोग ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं जी जी जी। जैसे थोड़ा कुछ पहले हुआ था कॉन्ट्रोवर्सी जी जी, तो उससे फिर और ज्यादा लोगों को लगता है कि भाई इसमें कुछ गलत ही नहीं है, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, तो फिर लोग क्यों खड़े होंगे विरोध में, कोई विरोध करता ही नहीं है। दो चार लोग जो खाली रहते हैं वो फेसबुक पे कमेंट लिख देते हैं जी जी, तो उनको उनकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। 100% तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी चीज से जी। श्याम जी, आप एक ऐसी हस्ती की नकल आपने की जिससे आप रातों रात फेमस हो गए, अब कैसा लगता है आपको? वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई मेरे पुराने जो मित्र हैं जी, उनसे वो थोड़ी मतलब ये बोल देते हैं कि भाई यार बड़े, तुम तो बड़े स्टार बन गए, बड़े लोग बन गए। हालांकि हम तो वैसे ही हैं, लोगों के लिए बड़ा बन गया, लेकिन मैं तो वैसा के वैसा ही हूँ जी जी। तो आज भी जब गांव जाते हैं तो बढ़िया सबसे मुलाकात होती है जी, और लोग जिस हिसाब से मिलते हैं तो और खुशी होती है। श्याम जी, आप इस मुकाम और कुछ साल पहले एक आम युवक की तरह आप रहते थे, आज और उस समय में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? सर मैं पहले भी युवक की तरह ही रहता था, आज भी युवक की तरह ही हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस ऐसा कुछ फर्क जो मुझे लगा तो वो यही है कि YouTube पे मेरे वीडियोस हैं। पहले मैं सोचता था कि मेरे भी वीडियोस होंगे, वो आज हैं, और मैं सोचता था मेरे फैन हो तो वो आज फैन है। सपना सच हो रहा है। हाँ, सपना सच हो रहा है। और मेरा एक सपना ये भी था, मैं यार फेसबुक पे वेरीफाइड पेज हो ब्लू टिक वाला, मतलब जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका ही ब्लू टिक होता है जी, तो वो भी आज मेरा है। क्या बात है, क्या बात है। श्याम भाई एक सवाल और भी आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवारजन, आपके मित्र तब क्या कहते थे और आज क्या महसूस करते हैं? पीएम मोदी की आवाज में उनकी फीलिंग को आप बताइए, प्लीज हमें बताइए। मोदी जी की आवाज में तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहले जैसे गांव में छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहे, दो प्रोग्राम होते गांव में, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जी। तो मैं 11वीं तक मैंने वही प्रोग्राम किए थे जी। तो वहां पे अब कोई ऐसा बंदा था नहीं जो कॉमेडी करता हो, मेरा सपना था कॉमेडियन बनने का, तो मैं वहां प्रोग्राम करता था। तो गांव वाले ये भी बोलते थे कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब आगे कुछ बढ़ना खटना नहीं है इससे जी, ऐसे टाइम बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई में
मतलब जैसे वहां 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो तैयारी करने लगते हैं 10 दिन पहले। जी जी। तो कोई मानता था कि 10 दिन पढ़ाई को खराब करना होता है। हाँ जी। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी होती थी जब 10 दिन में खाली रहता था, मेरी तैयारी करता था। जी जी। तो तब से वो जो कई मेरे को सपोर्ट करते थे, वो आज जब मिलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब ये आपकी देन है, जो कुछ है तो वो सब है, चलता रहता है। जी श्याम जी। श्याम जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जब अपने कस्बे रायसीनगर में जाते हैं, आपसे लोग मिलने आते हैं, दूसरी तरफ जब आप बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, तो दोनों में आपकी फीलिंग में क्या फर्क आप फील करते हैं? सर मैं जब गंगानगर आता हूं, जैसे मेरा एक मानना ये है सर कि बंदा चाहे कहीं भी पहुंच जाए, मुंबई जैसे आज मैं हूं तो रायसीनगर और गंगानगर हनुमानगढ़ इन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि यही मैंने बचपन अपना बिताया है। तो मैं ये मानता हूँ कि यार जब हम जो लाइफ स्टाइल मुंबई में जीते हैं वो वहीं पे मैं छोड़ के आता हूँ, जब यहाँ पे घर पे आता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे आगे नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल घर पे जाता हूँ और कई मिलते जुलते हैं, सबसे मिलता जुलता हूँ। और कई मेरे को बोलते हैं कि जैसे अब मैं गंगानगर में घूम रहा हूँ, हो सकता है मैं कई बार पैदल भी घूम लेता हूँ गंगानगर में, लोग पहचान भी लेते हैं, और नुक्कड़ पे खड़े पे गोले पे खा रहा हूँ मैं तो लोग पहचान लेते हैं। लेकिन फिर मेरा ये मानना है कि यार हम यहाँ पे अगर स्टारडम दिखा देंगे जी। तो मान लीजिए अब 10 साल बाद अगर मेरा काम वहां सेट नहीं बैठा या ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वापस यहीं आना पड़े जी। तो फिर मैं क्या क्या क्या, क्या करूंगा, मैं कोई गाड़ियों में थोड़ी घूमूंगा, फिर मेरे को पैदल ही घूमना पड़ेगा। तो जहां पे हम रहते हैं घर में, अब घर में मैं स्टारडम थोड़ी दिखाऊंगा, घर में तो मैं 2 दिन बिना नहाए रह सकता हूँ जैसे पहले रहता था। बिल्कुल। तो वो चीज है, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ को घर मानता हूँ, यहाँ पे वैसे ही रहता हूँ जहाँ वैसे पहले रहता था, वैसे ही रहता हूँ जी। तो वो है। और मुंबई जाते हैं जब प्रोग्राम दूसरी जगह, जैसे लखनऊ जा रहे हैं, अदर जगह जा रहे हैं, तो वहां फिर हम एज ए स्टार जाते हैं कि भाई साहब गाड़ी आ रही है बढ़िया एयरपोर्ट से, टिकट विकट बढ़िया मार्ग एकदम मस्त। जी जी। तो वो फर्क है दोनों में, दोनों चीजों में। श्याम जी आप बड़े सहज हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। आपसे श्याम जी जानना चाहेंगे, आप पीएम मोदी से मिलने की इच्छा रखते हैं? और अभी तक उन्होंने कभी आपको बुलाया हो, आपने उनसे मिलने का समय मांगा हो, ऐसा कुछ? सर वैसे तो कई लोगों का सपना मैंने पूरा किया है मोदी जी से बात करने का, जिनका सपना था उनको मैंने पूरा किया है। जी जी। वो कैसे? वो जैसे वो कई बोलते थे कि यार मोदी जी एक बार बात हो जाए, कुछ समस्याएं बताना चाह रहे हैं जी। तो मैं बोलता था ठीक है करवा दें, कोई दिक्कत नहीं जी। तो फिर मैं नए नंबर से उनको फोन करता था, मैंने कहा मैं उनका पीए भैया बोल रहा हूँ, आप लीजिए बात कीजिए। तो फिर वो बात करते हैं, तो फिर वो समस्याएं बताते हैं। वो समस्याएं क्या होती है, वो उस लेवल की समस्याएं नहीं होती, उनको लगता है यार छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना जी, वो मोदी जी को बता देते हैं, तो मुझे बता देते। तो फिर मैं कहता था भाई साहब ये प्रॉब्लम आप वहां जाके सोल्व करो, फिर जो भी उसका सोल्यूशन होता था ऐसे सरपंच के पास जाना है जी। अब घर की दीवार की प्रॉब्लम है, भाई साहब ये दीवार ये कोई फोड़ गया ये इसको सही कराओ जी, जी। तो वो सरपंच कराएगा, मोदी जी थोड़ी करवाएंगे जी, जी। तो वो चीज मैं उनको करवा देता, तो वो ये भी खुश हो जाते थे कि भाई साहब बात होगी मोदी जी से, आप उनको मार्गदर्शन देते। हाँ और मेरा सपना मोदी जी से मिलने का वो तो है ही है, जो क्योंकि जिनकी वजह से हम फेमस हुए, तो उनसे मिलना बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब मिलेंगे, और बहुत जल्द मुझे लगता है मिलेंगे। वाह। हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपका ये सपना भी जल्द पूरा हो। धन्यवाद। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सुरक्षा कारणों या अन्य किसी कारणों से पीएमओ या किसी खुफिया एजेंसी ने आपको निर्देश दिए हो कि भाई इस हद तक ही बोलना है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक। वो जो मैंने आपको बताया कि भाई फेसबुक पे जो कमेंट आ गए वो आ गए जी। अब मैं पहले जो मेरे को टाइम होता था तो मैं उनकी प्रोफाइल खोलता था जी। तो फिर मैं पता लगाता था ये वो बंदे हैं जो जिनके कुछ काम ही नहीं है जी। जिनके हाथ में मोबाइल है, वो कीबोर्ड आ गया, वो टाइप कर देंगे जो भी मन में आएगा जी, जी। अब जैसे 3-4 बंदों को मैंने रिप्लाई दिया था, जैसे वो लिखते थे कि ये भाई साहब ये नकल कर क्यों करते हो आप ये वो, तो मैं उनको रिप्लाई दिया था, वो माफी मांग लेते थे अगले रिप्लाई में, माफी मांग लेते थे। तो उनको लगता था ये बंदा देखेगा ही नहीं कमेंट। अब मैंने देख लिया, रिप्लाई कर दिया, तो उन्होंने माफी मांग ली जी। फिर मेरे को लगा यार ये 150 अगर कमेंट आए, फिर मैं मेरा टाइम खराब करूंगा इस पे लिखने में, फिर वो माफी मांग लेंगे तो फिर क्या मतलब, मैं जिनको जानता ही नहीं जी, जो मेरे से माफी मांग रहे हैं पहले गलती कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है उनकी बात भी सही है, क्यों नकल कर रहे हैं वो, अब उनको लग रहा है कि भाई ये कमेंट यही सही है तो फिर उनके लिए वही सही। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि 150 कमेंट अगर वो है तो 15,000 कमेंट वो है कि भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो फिर मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। जी जी। श्याम जी। श्याम जी आपसे एसपीटी न्यूज की तरफ से ये भी जानना चाहेंगे कि कोई यादगार पल जो अभी तक के सफर में रहे हो, आप कुछ कहना चाहें उसके बारे में?
यादगार पल सर जयपुर में मैं 3 साल रहा हूँ जी, और घर वालों का मैंने पहले ये अंदेशा करवाया था कि भाई मेरे को करना कॉमेडी करनी है जी। तो जयपुर में मैंने एनिमेशन का कोर्स किया था, वीडियो एडिटिंग का, तो वहां पे 3 साल मैंने कोर्स किया। तो उस बीच में मैंने 2 साल कुछ कॉमेडी वगैरह कुछ नहीं किया, मेरे को जानकारी नहीं थी स्टेज शो कैसे करना है, यहाँ पे जानकारी कैसे बनानी है जी। तो किसी भाई ने मुझे बताया कि यार एक प्रोग्राम है, वो जो पहले वहाँ कॉमेडी करते थे वो यहाँ पे घर पे आ गए थे, तो पंकज पंडित उनका नाम है जी। तो उन्होंने मुझे कहा भाई मैं जानकारी मेरी थी वहां पे और आप वहां पे शो कर आओ मेरी जगह, आप कॉमेडी करते हो। मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले 1000 रुपए में बात हुई है जी। तो मुझे लगा 1000 रुपए मेरे को देने हैं उनको प्रोग्राम करने के। मैंने कहा ठीक है 1000 रुपए चलो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हाँ जाओ आप। तो हम गए प्रोग्राम करने, प्रोग्राम मैंने कर दिया। अब मुझे लग रहा था यार 1000 रुपए कब देने हैं उसको, बंदे को, प्रोग्राम वाले को जी, जी, जी। वो बंदा आया मेरे पास, बोला आप ही है वो, मैं हाँ मैं हूँ। तो बोले ये लो 1000 रुपए। मैंने कहा ये आप दे रहे हैं? तो फिर बोले हाँ वो 1000 रुपए की बात हुई ना सर, इससे ज्यादा नहीं देंगे जी, जी। अब मुझे लगा यार पैसे इसके मिलते हैं, 1000 रुपए मिल रहे हैं मुझे जी। अब गांव में क्या होता है, बंदा पूरे दिन दिहाड़ी करता है, 500 रुपए मिलते हैं मैक्स टू मैक्स। अब मुझे 1000 रुपए मिल रहे हैं उस चीज के। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है जी। फिर उसके बाद में एक वहां शो हुआ था लफ्टर फेस्टिवल जयपुर में जी। सारे कॉमेडियन वहां आए थे। अब मैं सबका फैन, तो मुझे लगा यार इसमें जाना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। अब मिलने के दूर मैं भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहा था उसमें, क्योंकि आगे तक तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसके पास थे 500 रुपए के, 1000 रुपए के। अब मैं स्टूडेंट, वैसे ही पैसे की कमी जी, तो पास कहाँ से खरीदें, टिकट कहाँ से खरीदें जी। तो फिर एक दो बंदों को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब टिकट इसका पास लो फ्री वाला। तो वो एक दिन में उसका शो होता था, एक शाम को होता था। दिन का पास मुझे मिल गया, शाम का मेरे पास पास नहीं था ना, उन्होंने दिया। अब क्या है कि फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा यार मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। मैंने कहा दीवार के पास, इधर दीवार के पास चले जाएंगे, साउंड की आवाज तो आई जाएगी। मैं दीवार के पास, मैं और मेरा फ्रेंड था, तो दीवार के पास गए, पार्किंग के अंदर एक पास पड़ा हुआ VIP का, ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। अब मैंने वो उठाया, मैंने कहा ये तो पता नहीं कब का लोग ऐसे डाल जाते हैं, हमारे पास पास नहीं है, लोगों ने डाल रखा। फिर देखा ये तो आज का अभी का पास है। तो फिर मैंने कहा यार देखो दो लोग आए हैं, तो फिर मैं चला जाऊंगा तो ये बोलेगा साथ लेके गया नहीं, मेरे साथ नहीं गया, मेरे को लेके नहीं गया। मैंने कहा यार तू ले ले पास, तू चला जा, मैं वैसे ही सुन लूंगा। बोले नहीं नहीं और ढूंढते हैं। और ढूंढा तो एक पास और मिल गया। वाह, अब गुड लक। वो उस दिन मतलब मुझे लगा यार रियल में भगवान देख रहे हैं। और वो दो पास वहां और ढूंढे हमने, पास और नहीं थे, दो ही पास थे जी। अब मैंने कहा दो पास मिलना बड़ी बात है। फिर हम अंदर गए, अंदर गए तो फिर ख्याली जी जो यहाँ पे अपने कॉमेडियन है, ख्याली जी, हाँ, तो वो दूसरे दिन आने वाले थे। तो उन्होंने दूसरे दिन, फिर मैंने किसी को फोन किया यहाँ पे, मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे तो पर्सनली जी, एज ए फैन मैं उनका फैन था ही। तो जी, मैंने गांव में फोन किया, मैंने कहा यार किसी के पास नंबर है तो उनको बोलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और गांव का ही बंदा हूँ, मेरे को अंदर घुसाओ, शो दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को भीड़ में से निकाल के VVIP में लेके पीछे, जहाँ पे सब कॉमेडियन बैठे, राजू श्रीवास्तव VIP वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा यार ये तो एकदम से कहाँ पहुंच गए, उनसे देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा यार ये तो। और दूसरे दिन, पहले दिन क्या हुआ था कि बाहर हम बैठे थे ऐसे, पास वास की बात कर रहे थे, तो एक बाउंसर जो रहता है ना सिक्योरिटी वाले जी, जी, वो बंदा थड़ी पे बैठा चाय पी रहा था, हम भी बैठे चाय पी रहे थे। तो मैंने उसको कहा भाई यार हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं, हमें तो पास वास का जुगाड़ करना है, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ होता है, और आज तो वो भी नहीं हुआ, शाम का तो जुगाड़ ही नहीं है हमारे पास, हम तो ऐसे ही हैं। तो वो देख के बोला यार सही है, तुम तो मैं तो आते देखने आ जाते हो, पास में तुम्हारे पास है नहीं, फ्री का जुगाड़ ढूंढते हो। मैंने कहा यही है, फ्री का ढूंढ लेंगे, घुस के देख लेंगे। तो बोला ठीक है तुम देख लेना। अब वो बंदा पहले दिन तो मैं अंदर चला गया फ्री वाले पास से, दूसरे दिन ख्याली जी ने दिन में बुला लिया। अब शाम को जब मैं जा रहा था, ख्याली जी ने मेरे को पास दिया VVIP का कि शाम को आ जाना। शाम को जा रहा था, वो बंदा जैसे उनका गेट होता है ना, जो आर्टिस्ट थे उनके गेट के आगे खड़ा हुआ है वो जी, मेरे को अंदर जाना है, वो आगे खड़ा हुआ है। अब वो देख रहा है कि पहले दिन तो इससे बात की है मैंने कि ये बंदा ऐसा ही है, फ्री फंड वाला बंदा है, इसके पास पास कहां से है। तो उसने पास मेरा फाड़ के फेंक दिया कि तुमने तो ऐसी जुगाड़ की है, तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर ये है कि इन्होंने पास फाड़ के फेंक दिया मेरा, आपने जो दिया था, और अंदर नहीं आने दे रहे। अब उन्होंने 2 लड़कियां भेजी स्पेशल, जो यहाँ पे वॉकी टोकी हाथ में लेके ये वो, तो वो आई तो उसको डांटा पहले तो, सर को कैसे पास तुमने फाड़ दिया सर का पास। और बोला ये सर नहीं है, ये कल मैंने इनको देखा, ये चाय पी रहे थे, बता रहे थे मेरे को पूरी बात। अब वो मेरे को लड़कियां दोनों लेके गई अंदर, फिर मैं अंदर जाके आराम से बैठा और प्रोग्राम देखा। तो वो दिन मतलब मैं बहुत बड़ा दिन मानता हूँ जिंदगी का, कि पहले दिन हम बाहर खड़े थे
भीड़ का हिस्सा बन के, और वो भी नहीं बन पा रहे थे, और दूसरे दिन मैं वहां बैठा था अंदर। जी श्याम जी, क्या होता है कि सच्ची प्रार्थनाएं जो होती हैं वो हमेशा ईश्वर स्वीकार करते हैं, और आप एक अच्छे कलाकार हैं, निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न आपसे श्याम जी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आवाज और उनके हाव भाव की नकल भी आप अच्छी खासी कर लेते हैं, मोदी के बाद ये ख्याल कैसे और कब आया? नकल करने का ख्याल सर मैंने आपको मोदी जी का बताया था जी। अब मोदी जी की नकल करने के बाद में फिर मुझे लगा यार, जैसे जोक होता है ना, संता बनता का जोक होता है जी, जी, जी। तो वैसे मुझे लगा यार, अगर मोदी जी अकेले की मैं मिमिक्री करूं, उनकी नकल उतारूं, तो फिर वो अधूरी बात होगी जी, जी। तो फिर मैंने राहुल जी को ट्राई करना शुरू किया, तो साल भर में राहुल जी की मैं मिमिक्री करने लग गया जी, जी। तो अब वो जैसे लेवल वाला मामला है, संता बनता टाइप, तो मोदी जी राहुल जी आरोप लगा देते हैं, मोदी जी जवाब देते हैं, तो वो सिस्टम चल रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्याम जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम ये कि आपके आपसे किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी संपर्क किया हो कि भाई उनकी सभाओं में आप आए, और कोई लालच आपको दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। कई मेरे पास फोन आए भी हैं किसी पार्टी से, तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए, पहली चीज तो ये कि हम प्रचार किसी का नहीं करेंगे, हम कॉमेडियन हैं। अगर राहुल जी कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उसकी मजाक तो हम तो फनी तरीके से पेश करने वाले हैं। अब मोदी जी ने कुछ गलती करी तो हम भी उसको भी फनी तरीके से पेश करेंगे जी, जी। तो हम अगर आपकी पार्टी के मंच पे आ भी रहे हैं तो हम अपनी कॉमेडी करेंगे, ये नहीं कहेंगे भाई बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो। तो हम जब भी किसी के फोन आए भी हैं या आएंगे, तो भी हमारा कहना तो यही रहेगा कि हम लोगों को हंसाने के लिए आए हैं, केवल अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी से आप मिले थे, कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा, जिनको मैंने इतनी बार देख के मिमिक्री सीखी है, और वो मिले एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति वो है जी। और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने भी काफी तारीफ करी हमारी जी, जी, जी। तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूं लग रहा था जैसे हम राहुल जी को बरसों से जानते हैं, हालांकि वैसे तो जानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये रियल में इनसे मिले हुए। हाँ, मिले हुए हैं, पहले से मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा था। श्याम भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हसरत है आपकी, और क्या मुकाम आप हासिल करने का सपना आप देखते हैं? सर, मैं तो ये मानता हूँ जितना अब तक मुझे मिला है मैंने उतना ही देखा था, अब इससे ज्यादा अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो मेरे लिए तो ज्यादा ही ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने ये चाहा था कि भी मेरे शोज हों जी, जी, और वो आज हो रहे हैं। मुझे लगा था कि मैं कभी फ्लाइट में बैठूंगा, आज मैंने 100 से भी ज्यादा बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, यात्रा कर चुका हूँ, और इंटरव्यू का सोचा था आप आज कर ही रहे हैं, तो वो भी सपना पूरा हो गया, मेरा सौभाग्य। तो सर, सब सपने तो सब पूरे हो गए मेरे, बाकी जो भी होगा आगे जिंदगी में वो बढ़िया ही होगा। श्याम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, एसबीटी के दर्शकों को मोदी की ही आवाज और अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की अंदाज में कहना चाहूंगा, वैसे अपन बीच में कुछ बात कर रहे थे आवाज की, तो जैसे मैं बता रहा था आपको संता बंधा टाइप जी, जी। तो राहुल जी इल्जाम लगाते हैं मोदी जी पे, तो राहुल जी इल्जाम लगाते हैं, देखिए देखिए भैया, ये भैया पीएम बनने से पहले कहते थे कि भैया देश में विकास होगा, बताइए भैया क्या विकास हुआ? ये आरोप लगाया राहुल जी ने जी। अब मोदी जी बोले, शहजादे जी, हमने कहा था पीएम बनने के बाद में विकास होगा, हमारे पीएम बनने के बाद में आप उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बन गए कि नहीं बन गए, ये विकास नहीं है क्या? तो ये उनका चलता रहता है, ये चीजें हम सुनाते रहते हैं। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो गए, मित्रों एक आध पेपर लीक होने से अगर किसी को 1-2 लाख रुपए का फायदा मिलता है तो क्या ये रोजगार नहीं है क्या? सांध्या बॉर्डर टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में यूं ही कार्य करते रहिए, अच्छा फल आपको अपने आप मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्याम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।